बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप बिगनर हैं और फॉर्मेट एमएस वर्ड के अंदर अगर थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं उसमें फिर भी आपको ऑप्शंस या फॉर्मेटिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो आपके लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट या सीवी, कोई लेटर, एप्लीकेशन किस तरह से अलाइनमेंट सेट की जाती है, उसके हेडिंग्स वगैरह को अरेंज किया जाता है और फिर उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह डिटेल्स आज इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। उसमें मार्जिन सेटिंग, एक पेज पर एडजस्ट किस तरह से करेंगे काम, ये सब चीजें और फिर उसमें फॉर्मेट के ऑप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लें यहाँ पर एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट हमने एक टाइपिंग करी हुई है। अगर आपको सीवी क्रिएट करनी है तो आप इस तरह से सीवी भी अपनी बना सकते हैं और फिर उसके अलावा उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो ऑप्शन भी आपको सीखने को मिलेंगे। तो पहले लाइक कर लें या वीडियो के एंड में लाइक जरूर करिएगा। फर्स्ट जो देखें चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि इस तरह की वीडियो देखने को सीखने को और भी मिलती रहे। अब यहाँ पर ये हमारी कुछ सीवी की हेडिंग्स आ गई, इसमें नाम आ जाएगा, फिर उसकी जो ऑक्यूपेशन होगी वो, और फिर उसके बाद ईमेल कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव जो होता है अपना, पॉइंट ऑफ व्यू आप रख सकते हैं, वर्किंग एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपर, और इसके साथ एजुकेशन होती है मेन मेन और इंटर्न्स हो गई, स्किल्स हो गई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें एक बेसिक सीवी में लाजमी ऐड होती है हमारी, ठीक है, सीवी जो हम जॉब के लिए वगैरह बनाते हैं। अब एमएस वर्ड में टाइप हुआ हुआ है, इसको टाइप करने के बाद टाइपिंग आप नॉर्मली कर सकते हैं। हम इस तरह के फॉर्मेट में अच्छे से, यहाँ बिल्कुल स्पेस नहीं है, टैक्स अरेंज वगैरह एडिंग्स करी हुई है, यहाँ पर कलर्स वगैरह किए हुए हैं, बुलेट्स वगैरह अप्लाई करे हुए हैं, अलाइनमेंट जो कॉलन है बिल्कुल सेटिंग से अरेंज किए हुए हैं। तो ये किस तरह से हम चेंज करके उसमें फॉर्मेट दे सकते हैं अब मैं इसमें आपको सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट डिटेल आ रही है, जो हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल होती है और नेम वगैरह ऑप्शन होते हैं, तो इसको हम होम मेन्यू के अंदर नो स्पेस करेंगे। नो स्पेस के साथ इसकी स्पेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव के बाद आप यहाँ पर इंटर मार के नीचे ला सकते हैं, उसके बाद आपकी मर्जी है इसको अरेंज करने के लिए। आपको सेंटर करना है तो अलाइन यहाँ से सेंटर मिल जाता है, यहाँ से आप फॉन्ट जो भी रखेंगे उसको, यहाँ से आप मेन हेडर है तो 20 रख सकते हैं, 22 रख सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर लें इसको। इसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर जो आ रहा है इसको भी हम ये 11 या 12 14 कर लेते हैं या 16, और यहाँ से इसको भी बोल्ड कर लेंगे। ये हमारा इसी तरह रहेगा, हेडिंग्स को यहाँ से मैं रख रहा हूँ 14 या 16 या 18 और बोल्ड कर लेंगे। हेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ से जो फॉन्ट स्टाइल होंगे, जितने आपके हेडिंग फॉन्ट साइज के हिसाब से सही लग रही है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर शेडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है तो इस तरह से आप अपनी कोई अच्छी सी शेडिंग वगैरह भी यूज कर सकते हैं इसमें, और इसके साथ ही फिर आप राइटिंग को कलर कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से अब हमारे पास ये ग्रामर मिस्टेक हो रही है तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करके ये लाइन आई है, आई एम पैशनेट डेवलपर लुकिंग टू लेवरेज स्किल्स इन अ वेब डेवलपमेंट, ठीक है। इस फॉन्ट को अगर आपने ये रखना है ये रख लें, या ना तो बड़ा करना है थोड़ा सा 12 रख लें, 13 रख लें, और फिर उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस सेम जो एक कलर फॉर्मेट आप रखेंगे उस हिसाब से आप फॉर्मेटिंग रख सकते हैं। अगर आपको शेडिंग अच्छी नहीं लग रही तो आप शेडिंग को नो कर लें यहाँ से, और नो के साथ फिर यहाँ से अपना कलर वाइट, और यहाँ से आप अपनी आउटलाइन में बॉर्डर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बॉटम बॉर्डर या फिर अराउंड पूरा बॉर्डर चाहिए, आउटसाइड बॉर्डर इस तरह से रख लें आप, आपकी मर्जी है जिस तरह से आपको जो हेडिंग के लिए सूटेबल रख रहे हैं ऑप्शन वो आप अपना फॉर्मेट ले सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से अगर इस तरह के फॉर्मेट चाहिए, ये भी डार्क लाइट आप फॉर्मेट अपना ले सकते हैं इस तरह से। जो एक हेडिंग का फॉर्मेट रखेंगे वहां से वही स्टाइल ऑल हेडिंग के लिए होंगे तो उसको सिलेक्ट करेंगे, दो दफा फॉर्मेट पे इंटर क्लिक, और फिर ऑल जितनी भी हेडिंग्स होंगी उस पर जाकर आपको सिलेक्ट करना है। अब मेरी ये साइड हेडिंग है तो इसको मैं नहीं यूज कर रहा हूँ इस पर, इसको मैंने ये क्लिक करा, मैं वर्क एक्सपीरियंस है ये एक मैन हेडिंग है, उसके बाद इंटर्नशिप जो है ये मैन हेडिंग है, उसके बाद जो है हमारे पास एजुकेशन की हेडिंग मेन आएगी, उसके बाद स्किल्स आएंगी, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी ये। तो हेडिंग्स की प्रॉब्लम सोल्व हो गई, वन टाइम क्लिक करेंगे ये हमारा ऑप्शन नॉर्मल हो जाएगा। हेडिंग्स के अलावा एटॉप्स बॉडी यहाँ पर सिलेक्ट है, मैं ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, एटॉप्स डिस्प्ले हेडिंग्स, मुझे ये फॉर्मेट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कलर, तो मैं ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपकी जो भी राइटिंग स्टाइल अच्छी लगे वो आप अपनी चूज कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग ऑल मैंने अपोज डिस्प्ले में, अपोज बॉडी में हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लिए यहाँ पे, और अब हमारे पास ये जो आ रही है सॉफ्टवेयर डेवलपर की साइड हेडिंग है, तो इसको हम हेडिंग यहाँ से स्टाइल से टू कर लेते हैं, और स्टाइल से टू करने की वजह से हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ से बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है जी। कोई कमेंट्स वगैरह हमें नहीं ऐड करना है इसमें फिलहाल, अभी हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, और सिलेक्ट करने के साथ यहाँ से हम बोल्ड कर लेंगे। इसका कलर भी आपको डिफॉल्ट हेडिंग टू का
चेंज आ रहा है, तो आपको जो भी रखना है वो आप अपना चेंज कर भी सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से इसके साथ आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आप फॉर्मेट पेंटर से ये वाला जो ऑप्शन है इसमें भी आप हेडिंग टू अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है जी। और बाकी ये जो डिटेल होती है अपनी एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स की, तो इसमें आप बुलेट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे अच्छे से बुलेट्स वगैरह के साथ यहाँ पे आप अप्लाई कर लें इसको, ये डिटेल इस तरह से ऐड हो जाएगी आपकी, ठीक है जी। जो बुलेट आपको अच्छा लगे वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है ये मैंने टैब को यूज़ किया हुआ है इसके साथ, और इसका तरीका मैं और अभी डिटेल में समझाता हूँ। जब हम बुलेट अप्लाई करते हैं तो इसमें प्लस ये होता है कि हमारी जो स्पेस होती है बिटवीन वो भी क्लियर हो जाती है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास अब फॉन्ट, मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो टेक्स्ट है वो 14 कर दिया। अगर आपको इस फॉन्ट को बढ़ाना है तो आप यहाँ से ऑल फॉन्ट्स फॉर्मेट 14 या 13 या जो भी आपको सही लग रहा हो वो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है जी। यहाँ से 13 को हम ऑल के लिए रख लेते हैं, तो इस तरह से ऑल फॉर्मेट्स जो होंगे वो 13 हो जाएंगे आपके फॉन्ट। तो ऑल फॉन्ट्स को जो है वो मैंने 13 रख लिया है, ठीक है जी। फॉन्ट स्टाइल भी सिलेक्ट हो गया, 13 फॉन्ट्स मैंने रख लिए हैं, और तकरीबन एक्यूरेट हमारे पूरे पेज पर आ रही है। और कहीं से अगर आपको स्पेसिस को कंट्रोल करना हो तो आप इंटर करके चेक कर सकते हैं, जहाँ से स्पेसिस आपको ज़्यादा चाहिए वहाँ से आप इंटर करके स्पेसिस ऐड कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल हमारा ये फॉर्मेट सही है इस तरह से। और इसके अलावा अब मैंने यहाँ पे टैब का यूज़ किया हुआ है सिंपल, ये जो एक्यूरेसी के साथ आ रहा है आप टेबल में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो टेबल में आपकी अलाइनमेंट्स वगैरह बिल्कुल एक्यूरेट और प्रॉपर आएगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। फाइल में प्रिंट में देख लेते हैं इसका प्रीव्यू किस तरह से आ रहा है पूरे पेज पे हमारी, इस तरह से आएगी ये फाइल हमारी पूरे पेज पर। ऑल प्रीव्यू हमारा वो ऑप्शन होता है जहाँ प्रिंट के बाद एक्यूरेट बिल्कुल पेज पर काम आएगा जिस तरह से। तो आपको अगर इस जगह पे प्रॉपर सही लग रहा है बिल्कुल काम, तो फिर प्रिंट यूज करते हैं। और अगर यहाँ पर कुछ चेंजेस वगैरह करनी है तो आप बैक करेंगे यहाँ पर क्लिक, और नॉर्मल आकर आप यहाँ पर जो भी चेंजेस करनी है अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकते हैं। और प्रीव्यू लाजमी देखें, जब भी फाइल अगर प्रिंट करनी है मेथड डॉक्यूमेंट की तो यहाँ पे आपको फाइनली चेक करना है। जब यहाँ से फाइनल ओके लगेगी प्रिंट आपको, तो फिर आप यहाँ से प्रिंट ऑप्शन में जो प्रिंटर इंस्टॉल होगा कंप्यूटर से वो उसकी पर पीस कॉपी कितनी चाहिए आपको, और फिर उसके बाद लेटर या A4 जो ऑफिस वर्क वगैरह में यूज होता है, A4 वगैरह यूज होता है नॉर्मल, और फिर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी जो होगी वो प्रिंट होकर आ जाएगी। तो क्विकली अपनी खुद से CV बना सकते हैं, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। वीडियो देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, स्टूडेंट लेवल, बेसिक, बिगनर लेवल जिनका है जो इस तरह की कंफ्यूजन में रहते हैं, तो वो आराम से इजीली इसको देखकर अपना काम कर सकते हैं CV का। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर करिए वीडियो को। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना सीखना चाहते हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।